नवरात्रि के सातवें दिन माँ अम्बे की सातवीं शक्ति स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका शरीर घने अंधकार के समान काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता कालरात्रि के सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में दामिनी के समान चमकने वाली माला सुशोभित है। लोगों का मानना है कि इनके तीन नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे बिजली के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि जब सांस लेती हैं तो उनके नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माता गौ की सवारी करती हैं। माँ ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी भक्तों को वरदान देती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग कटार सुशोभित है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत ही भयानक है, लेकिन माता सदैव भक्तों को शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। मंत्र त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशेन त्रातं समरमूर्धनि तैपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकोन्मद सुरारि भवं नमस्ते। जय माता दी। आप देख रहे हैं जय पारस चैनल। मैं हूं आप सभी के साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, जय पारस चैनल के खास कार्यक्रम 9 दिन नवरात्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम 9 दिन माँ आदिशक्ति के स्वरूपों का वर्णन कर रहा है। माँ की श्रद्धा और सुमन को अर्पित करने के लिए यह कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की बात करते हैं, उनकी साधना कैसे की जाए इसकी चर्चा करते हैं, मंत्र कौन से पढ़े जाएं जिनसे घर में सुख और शांति का वास हो। आज सातवां दिन है माँ महाकाली। कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ की अर्चना करेंगे, माँ की वंदना करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दिलीप शास्त्री जी, चित्रकूट से आते हैं। पंडित जी से जानेंगे कि माँ की अर्चना और पूजा कैसे की जाए। आइए स्वागत करते हैं पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भक्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की पावन शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूँ। मित्रों, माँ भगवती के 9 स्वरूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघां शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वांगभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। आइए आज माँ भगवती के सातवें स्वरूप के बारे में हम सभी लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। वास्तव में सनातन धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, ये बहुत ही पुराना धर्म है। ये कोई आज से नहीं, नवरात्रि चार प्रकार की होती है मित्रों।
गुप्त दो नवरात्रियां और दो नवरात्रि ओपन नवरात्रियां, जिसे हम शारदीय नवरात्रि और वसंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। ये इतनी समय की जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में हमारा जो सनातन धर्म की सृष्टि है, ये सृष्टि का सिस्टम ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है भक्तों। ये हमारे सनातन धर्म का आज सातवा दिन है और इस सातवें दिन में सातवीं नवरात्रि है, उनका नाम है कालरात्रि। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। मैं तो आपको सर्वप्रथम एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में चार प्रकार की मित्रों रात्रि होती है। आज की जो रात्रि है कालरात्रि, आज की इस रात्रि में माँ भगवती का पूजन करने से हमारे हर प्रकार की मन की मनोअभिलषित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मैं कहाँ तक बताऊँ, यहाँ तक कि कालों के काल महाकाल भी आज महाकाली की साधना करते हैं। शिव में जब एक ही मात्रा हट जाती है तो उस शब्द को क्या बोलते हैं, बोले सौ। और वह शिव भी शिव के रूप में नहीं होता, और जब शक्ति हट जाती है तो वह शिव भी सौ के रूप में हो जाता है। काल रात्रि मित्रों, आज सर्वप्रथम माँ भगवती को सुंदर एक दिव्य लाल आसन बिछाना चाहिए और स्वयं धुले हुए वस्त्र, जो भी यजमान भक्त माँ भगवती का पूजन करे, सुंदर एक चौकी में माँ भगवती की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणम, माँ भगवती का स्वरूप कैसा है, बोले विचित्र नाना प्रकार के आयुधों को अपने शरीर पर धारण कर रखी हैं। एक हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म और वरमाला से विभूषित बड़े बड़े इंद्र, यम, वरुण, दिक्पाल इत्यादि, जिनकी एक पंक्ति वक्त होकर के जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे माँ भगवती के श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम कलश, कलश को सदैव अपने बाएं भाग में रखना चाहिए और माँ भवानी के सीधे हाथ की तरफ रखना चाहिए। कलश के अंदर सुंदर सुपाड़ी, जायफल, स्वर्ण, तांबूल और इस प्रकार से अक्षत, पुष्प इत्यादि डाल करके एक सुंदर सुसज्जित नारियल को रखना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े से लपेट करके माँ भगवती का जो चिन्ह होता है स्वास्तिक अथवा सतिया का चिन्ह बना करके माँ भगवती के उल्टे हाथ की तरफ रखना चाहिए। हरि ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्राचीन काल की बात, रक्त बीज के द्वारा भक्तों सताए गए हमारे जो यम, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, छत्र, दिक्पाल इत्यादि देवता हैं, सब लोग माँ भगवान भगवती के श्री चरणों पर जाकर के प्रणाम किया, उनको नमन किया, हे माँ हमारी रक्षा करो। त्राही माम शरणम गता। और मित्रों, ये जो रक्त बीज नाम का महापशु था, राक्षस था, इस राक्षस को ब्रह्मा का वरदान मिला था कि अगर इसकी एक भी रक्त जमीन पर गिर जाए तो उसी के समान तेजवान, उसी के समान ऐश्वर्यवान और उसी के समान बलशाली वह राक्षस वहां पर प्रकट हो जाता है। माँ भगवती अगर कालरात्रि न होती, विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणम शुष्क मांसास्ति भैरवा, हमारे माँ भवानी के शरीर का जो मांस है वह मांस सूख गया है, सिर्फ हड्डियों का एक निमित्त एक ढांचा ही सिर्फ बचा हुआ है शरीर पर, जिसे काल देख करके भी भय खा जाए, भय भी भय खाता है, काल भी कतराता है, ऐसे महाकाली के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ में विधान आता है भक्तों कि दुर्गा। गुरु जी, एक जगह यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माँ कालरात्रि का जब नाम आता है तो उनके मन में ये प्रश्न उभर के आता है कि आखिर में स्वरूपों की बात करें, माँ की महिमा की बात करें, तो इन स्वरूपों में और भी जो नौ देवियों के स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में माँ कालरात्रि का, जैसा आपने शुरू में वर्णन किया कि माँ के स्वरूप कैसे हैं और कालरात्रि इनका नाम क्यों पड़ा, तो हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर में माँ के स्वरूप और कालरात्रि नाम के पीछे का असली मर्म क्या है। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। तिवारी जी, आपने भक्तों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसे
मैं आप सभी लोगों के सामने इस शब्दों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। अपने सनातन धर्म में चार प्रकार की रात्रि होती है। काल रात्रि, जो आज की रात्रि है इसे काल रात्रि कहते हैं जी। मित्रों, आज के दिन चमेली के तेल में एक रुई की बत्ती बना करके सुंदर आटे की अथवा मिट्टी का दिया पान के पत्ते के ऊपर रख करके रात्रि 12 बजे काल रात्रि का पूजन किया जाता है। जिस मंदिर पर, जिस जगह पर माँ भगवती काल रात्रि का पूजन किया जाता है, उस कमरे को, उस मंदिर को सुगंधी वातावरण से युक्त कर दिया जाता है जी। आज काल रात्रि का पूजन करने से हमारे शरीर पर सबसे बड़ा काल कौन है? बोले रोगा नाम वही काल। रोग ही सबसे बड़ा काल होता है। और यदि हमारे शरीर पर रोग न रहे तो वास्तव में हम निरोगी हैं, सुंदर स्वस्थ काया है। हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, सर्वप्रथम मेरी शरीर को आप स्वस्थ बनाएं और किसी भी प्रकार का कोई रोग दरिद्र ना आने पावे। रोगा नाशयति दुर्गा, दुर्गा नाम वही दुर्गा, जो दुर्गम से दुर्गम पीड़ा का निवारण कर दे उसका नाम दुर्गा देवी होता है। काल रात्रि, आज की रात्रि सोना नहीं चाहिए। आज की रात्रि काली मिर्च माँ भगवती महाकाली के सामने रखना चाहिए। काले वस्त्र पर पान का पत्ता लपेट करके 11 सिक्के उसमें रख करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि इसका जाप करता है, वास्तव में इह लोक सुखम भुक्त्वा उह लोक सुखाम गतिः, इस लोक में तो सुख की प्राप्ति होती ही होती है, अपितु मरने के बाद यह नश्वर शरीर जो है यह माँ भगवती के श्री चरणों में सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाता है। आज के दिन चाहिए कि यदि शुद्ध देसी घी का दीपक अखंड ज्योत जल रहा है तो उसमें काजल भी पारना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बालकों को किसी भी प्रकार की कोई नजर नहीं लगती है। और यदि किसी डॉक्टर की दवा नहीं लग रही है तो मित्रों, आज के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का यदि पाठ किया जाए तो दुर्गा पाठ फलम लभेत, पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ के फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ भगवती के महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा भी शर्मा रहे हैं और ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ हैं, तो हम आप लोग भला कैसे कर सकते हैं। और माँ भगवती की लीला महामाया हरश्चेसाम तया सम्मोहियते जगत, ये जो महामाया नाम की देवी है ना भक्तों, ये महामाया यहाँ तक कि नारायण को भी नहीं छोड़ा, नारायण को भी अपने आगोश में कर रखा है। बोलिए साचे दरबार की जय। तो आज महाकाल रात्रि के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा था। काल रात्रि और महारात्रि, देखिए ये दोनों में इतना बड़ा अंतर है जैसे दिन और रात, सुख और दुख, इतना बड़ा अंतर है। काल रात्रि जो नवरात्रि के 7वें दिन नवरात्रि पड़ती है उसको कहते हैं काल रात्रि। आज के दिन बड़े बड़े साधक लोग माँ भगवती के श्री चरणों में अपने अपने मंत्रों को, बीज मंत्रों को लेकर के पूजन करती हैं। और जो भी हमारी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं माँ भगवती के श्री चरणों पर कुमकुम रोली इत्यादि लगा करके अपने अठल सुहाग की कामना करती हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इतना पूजन करने के बाद हम लोग माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन वास्तव में माता कभी कुमाता नहीं होती। बड़े बड़े असुरों का वध करने के बाद भला आप विचार करो, देवी भागवत महापुराण अनन्यादि और भी पुराणों को आप खोल करके देख लीजिए कि माँ के द्वारा जितने भी मारे गए दैत्य हैं, क्या उनको माँ भगवती ने यमराज के पास में भेजा? बोले कदापि नहीं, यम के पास में नहीं भेजा। फिर अरे बड़े बड़े यतीन्दन, योगिंदन, मुनिंदन के, जिनके तपस्या करते करते शरीर पर दीमक लग जाते हैं, फिर भी माँ भगवती का वह उच्च परम धाम नहीं प्राप्त हो सका। आज माँ भगवती की कृपा से उन राक्षसों को वह परम धाम प्राप्त हो गया, जो बड़े बड़े मनीषियाँ, मनीषी लोग अपने भजन को, अपने तपस्या को अनवरत पूरी जिंदगी ताउम्र करते रहे लेकिन माँ भगवती की कृपा नहीं हो पाई। वास्तव में माँ तो माँ होती है। तुभ्यं मादाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है। इसी मंत्र से भगवान नारायण इस सृष्टि का उत्सर्जन करते हैं। भक्तों, आज मैं आपको एक गूढ़ बात बता रहा हूँ।
बगैर शक्ति के तो हम आप एक लोटा भी नहीं उठा सकते हैं, ये सब कृपा तो माँ भवानी की ही है। पंडित जी, इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें, आपने सप्तसती के माध्यम से बताया कि किस तरीके का माँ का स्वरूप है, माँ को किस तरीके के मंत्र के जाप करने चाहिए, अनुष्ठान किस तरीके का होना चाहिए। इसके साथ अगर एक चीज़ ये जानना चाहें कि माँ को अगर आरती ज्योति जल गई और कलश की स्थापना हो गई, उनके मंत्रों से साधना हो गई, इसके साथ अगर प्रसाद चढ़ाने की बात करें तो क्या कुछ विशेष प्रसाद होते हैं जिनको चढ़ाया जाना चाहिए आज के दिन? मित्रों, आज नवरात्रि का सातवां दिन है, नौ दिन के भोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में माँ भगवती के जो नौ भोग हैं वो भिन्न प्रकार के हैं। कभी भी भूल करके प्रतिपदा के दिन पेठे का भोग नहीं लगाना चाहिए। ये प्रथमम शैल पुत्री चा, पेठे का भोग नहीं अपितु तो पेड़े का भोग लगाना चाहिए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अब जो दूसरी नवरात्रि ब्रह्मचारिणी की होती है उस दिन ब्रह्मचारिणी को क्या देना चाहिए? बोले पंचमेवा। पंचमेवा अर्थात काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मखाने, नारियल इत्यादि, ये सब चीज़ें संपूर्ण मात्रा में एकत्रित करके माँ भगवती के श्री चरणों पर रख देना चाहिए। तृतीयम चंद्र घंटे ती, माँ भगवती चंद्र घंटा के लिए सुंदर हलवा बना करके माँ भगवती के सामने समर्पित करना चाहिए। तृतीयम चंद्र घंटे ती, कूष्मांडे ती चतुर्थकम, और जो चौथी नवरात्रि आती है उसमें कूष्मांडा नाम का एक फल आता है, सीता फल आता है, वह फल माँ भगवती के श्री चरणों पर अर्पण करने से हमारे घर में इतना फल की प्राप्ति होती है, इतना फल की प्राप्ति होती है कि वास्तव में भक्तों, हम लोग जब माँ के सामने जाते हैं तो झोली खाली करके जाते हैं, लेकिन माँ उसमें इतना भर देती है, इतना भर देती है कि हम सब लोग झोली बिखेरते हुए वहां से आते हैं। यही तो माँ भगवती की कृपा है। पंचमम स्कंद मातेति, पांचवी नवरात्रि साबूदाना इत्यादि स्कंद माता माँ भगवती को चढ़ाना चाहिए। षष्ठम कात्यायनी तिचा, मेवे की खीर माँ भगवती कात्यायनी को चढ़ाना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, ये माँ भगवती स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है, इसलिए इनको माखन और मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। षष्ठम कात्यायनी तिचा, सप्तमम काल रात्रि ती, माँ भगवती की आज के विषय की मैं आपको बताऊं, आज काल रात्रि है। माँ भगवती काल रात्रि को कहा गया है कि जो नारियल सूखा गोला होता है, यदि 11 गोले की माला बना करके माँ भगवती को आज रात्रि में अर्पण किया जाए, आज के दिन काल रात्रि के दिन यदि नींबू की माला माँ भगवती को अर्पण की जाए तो बड़े बड़े हमारे जो भी शत्रु हैं वह शत्रुओं की जो दुर्बुद्धि है वह दुर्बुद्धि भी सदैव सद्बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती। भक्तों, कभी भी शत्रुओं का विनाश नहीं करना चाहिए। शत्रुओं का विनाश कर दिए तो हम काहे के सनातनी बचे? अरे उनके दुर्बुद्धि का विनाश हो तो उसे भी सद्बुद्धि आवे, और जब उसे सद्बुद्धि आएगी तो वास्तव में वह हमारा मित्र हो जाएगा। आखिर शत्रु भी तो किसी का पति होगा, शत्रु भी तो किसी का पुत्र होगा, शत्रु भी तो किसी का बाप होगा। इस प्रकार से कहने का मतलब वह भी किसी परिवार से आता है, इसलिए शत्रु दुर्बुद्धि विनाश आया, शत्रुओं की दुर्बुद्धि का महाकाली माँ भगवती सदैव उसे सद्बुद्धि में परिवर्तित कर दे। अष्टमम महागौरी, अष्टमी महागौरी की नवरात्रि आती है। माँ भगवती गौरी को कहते हैं कि यदि चना और उसके साथ में पूड़ी हलवा इत्यादि का भोग लगाए तो वास्तव में हमारी हर प्रकार की मन की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवम सिद्धदात्री चा, और जो नौवीं सिद्धदात्री आती है, कहा गया है कि प्रथम दिन से लगा करके नौ दिन तक तिवारी जी जब हम इसका पूजन करते हैं तो असली फल तो हमें नौवें दिन प्राप्त होता है जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोले गुरुजी क्या करें, हम तो अष्टमी पूजते हैं और अष्टमी पूज करके कंचकों को भक्तों भोजन करा करके अपना व्रत खोल देते हैं, तो काहे की आपकी नवरात्रि हुई? नवरात्रि तो नौ दिन की नहीं पूरी हुई ना जी। हमारे सनातन धर्म के एक हमारे आचार्य पंडित श्री रामाविलास शुक्ला जी हैं, उन्होंने कहा था कि वास्तव में जो हम लोग सप्तमी पूजते हैं, अष्टमी पूजते हैं, बेशक आप पूजो, लेकिन क्या आपको पता है
कि नवमं सिद्धदात्री चा, जब तक आप नौवीं सिद्धदात्री को नहीं पूजेंगे तब तक आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, कामनाओं की सिद्धि नहीं हो सकती। पंडित जी, जय पारस चैनल का ये विशेष कार्यक्रम इसीलिए प्रसारित किया जा रहा है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखने वाले हैं, वो जय पारस पर ये देखें कि 9 दिन किस तरीके से माँ जगदात्री, माँ जगत जननी की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए। आप जैसे विद्वान पंडित के साथ में अगर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो बस यही है कि विचार भावनाएं जो धर्म के प्रति हैं, क्या कुछ पद्धति है सनातनी, जो हमारी परंपरा चली आई है, सनातन धर्म बहुत बृहद है, इसमें किस तरीके से किस कार्य को कैसे संपादित किया जाए, वो पूरा हमारा वेद कहता है, पुराण कहते हैं और आप जैसे विद्वान कहते हैं। पंडित जी, गुरु जी ये भी जानने की इच्छा है मेरे मन में कि जो हमारे दर्शक, युवा दर्शक हैं, वो आज के दिन कहते हैं कि माँ कालरात्रि से जो भी कुछ मांगा जाए वो मिलता है, तो आज के दिन जो युवा हैं वो क्या कैसी पूजा करें जिनसे उन्हें विद्या की प्राप्ति हो और वो उनका जीवन जो है सफलताओं की तरफ आगे बढ़े। बहुत सुंदर तिवारी जी आपके प्रश्न रहे कि आज जो सातवीं कालरात्रि है, कालरात्रि में यदि कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हमने ठीक होते देखे हैं जी। जो चमत्कार दवा में नहीं होता है तिवारी जी, वह चमत्कार माँ भगवती की कृपा में हो जाता है, दुआ में होता है, आशीर्वाद में होता है जी। हमारे जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाता है और लास्ट में डॉक्टर क्या कहते हैं, देखो जी ऐसा है कि अब तो हमारी दवा काम नहीं कर रही है, फिर अब तो दुआ ही काम करेगी। भक्तों, मैं आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से ये आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसे अगर कोई असाध्य रोगी है तो माँ भगवती को काली मिर्च एक लोहे की कटोरी में रखें। किसी ने कहा कि महाराज हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, धन के लिए क्या करें, हमने कहा होता है ना। आज जो कालरात्रि का समय है, आज के दिन आप दोनों हाथों से दो मुट्ठी आप सिक्का ले लें और तांबे के लोटे में उन दोनों सिक्कों को डाल दें, लाल कपड़े से उसको ढक दिया जाए और ढकने के बाद जैसे ही सिद्धदात्री माँ भगवती नवरात्रि का नौवां दिन संपन्न हो जाए, उन सिक्कों को ले जा करके आप अपने तिजोरी में डाल दें। यदि आपका भंडारा कभी खाली हो जाए तो वास्तव में तुभ्यम मादाय नमस्ते छड़े, माँ कहती है कि मुझे फिर माँ मत कहना, ये वास्तव में दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया। मोक्षार्थे लभते गतिम, इतना ही नहीं यदि मोक्ष की कामना के लिए अगर आज के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो यमराज प्रसन्न होते हैं और यमराज यदि प्रसन्न हो जाए तो फिर समझ लो कि काली प्रसन्न ही प्रसन्न है। बोलिए साचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से गुरुजी ने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, या फिर अगर आपकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं मन में कि हमें विद्या अर्जन करना है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो कैसे आज के दिन पूजा करें, अगर आपके मन में धन की आकांक्षा है कि हम धन संपदा से, भौतिक सुख सुविधाओं से अगर लैश हो जाएं और कैसी पूजा करें, उसके लिए गुरुजी ने बताया। अब बात आती है गुरुजी कि लोग चंदन लगाते हैं मस्तक पे, तो आज के दिन जो है चंदन लगाने का या क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का मर्म क्या है, रहस्य क्या है, और इसके पीछे का अगर महत्व जानना है, हमारी युवा पीढ़ी आज भी बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताओं से अभी भी अछूती है और जानकारी नहीं है, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। मित्रों, जय माता दी, चैनल के माध्यम से आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए जा रहे हैं। वास्तव में हमारा जो सनातन धर्म है, ये जो जनमानस है, आप लोगों को शायद सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा और तिवारी जी ने आप सभी लोगों के कल्याण निमित्त हेतु जो ये प्रश्न किया है, वास्तव में यह प्रश्न हम सभी लोगों के लिए सार्थक है। हम लोग चंदन तो लगाते हैं, लेकिन चंदन क्यों लगाते हैं, क्या आपने कभी कल्पना की है? चंदनम तु महादिव्यम पवित्रम पाप नाशनम। तिवारी जी, ये चंदन महादिव्य है और नाना प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। यदि हम भगवान का पूजन करने जाते हैं तो भगवान का पूजन करने से पहले अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के यदि मस्तक पर चंदन नहीं लगा है, उस भक्त की कोई पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। ओम यदि स्नातो भवेद विप्रा, ये तो विप्र अर्थात ब्राह्मणों के लिए बताया गया, लेकिन मैं बताऊं यदि स्नातो भवेद वही संविधाया तुभ्यम मादाया, स्नान के बाद यदि मस्तक पर चंदन नहीं है तो नमस्कारम न कुर्वीता इति शूद्र वेद भवेद, ऐसे लोगों का मुंह देखना भी चांडाल का मुख देखने के बराबर होता है।
हर सनातन धर्मियों को चाहिए कि अपने मस्तक पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। यह दिव्य ज्योति हर व्यक्ति के पास में तीन नेत्र होती है, एक ज्ञान रूपी नेत्र होती है और दो बाह्य रूपी यानी बाहर के चीजों को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका सम्मान भी करना चाहिए। इसका सम्मान जब भी होता है जब इसमें हम बीच में आकर के टीका लगाते हैं। टीका भी कई प्रकार के होते हैं भक्तों, एक त्रिपुंड होता है तो एक रामानंदी होता है तो एक वैष्णवी होता है, एक शैव नाम का होता है तो एक छोटी सी रोली की टिपकी लगा लिए। अरे कम से कम मस्तक पर चंदन तो होना चाहिए, यदि चंदन नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाती है। इसका धारण करने से पितृलोक में रहने वाले पितृ देवताओं को आनंद की अभिभूति होती है, समस्त चराचर जगत हमारा मित्र बन जाता है, अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए चंदन के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, चंदन को लगाने से हमारे हर प्रकार की मन की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कोई कोई कहता है कि पंडित जी गुरुदेव ये बताएं कि कोई जरूरी है कि माथे पर टीका लगाएं जब ही हमारी पूजा स्वीकार होगी? हमने कहा कोई जरूरी नहीं है। वेद भगवान कहते हैं कि अग्नि रीति भस्मा, अगर अग्नि जल रही है तो ये वाली उंगली ऐसे अग्नि में दिखाओ और ऐसे करके घुमा करके अपने माथे पर लगा लो, आपको अग्नि रूपी चंदन आपके मस्तक पर विद्यमान हो जाएगा। वायु रीति भस्मा, अग्नि नहीं मिल रही तो क्या हुआ? वायु चलती है दसों दिशाओं में, ऐसे उंगली फेर करके इस प्रकार से दर्शन करें और एक बार घुमा करके अपने माथे पर लगा लें। ऐसा करने से वायु प्रकार की भस्म हमारे मस्तक पर धारण हो जाती। स्थलमिति भस्मा, इस प्रकार से भस्म भी चंदन भी कई प्रकार के होते हैं, यदि चंदन नहीं लगाया जाता तो उसका फल प्राप्त हमें नहीं होता। बहुत अच्छा, शायद हमारे दर्शकों को उन युवाओं को भी ये जानकारी मिली होगी। अभी तक अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से कहूँ तो मुझे भी सिर्फ यही पता था कि चंदन जो है मस्तक पे, चाहे रोली का हो या चंदन चंदन का हो, वो ही महसूस होता था। लेकिन आज मुझे भी जानकारी मिली कि अग्नि से भी आप चंदन लगा सकते हैं, वायु से आप चंदन लगा दे सकते हैं, स्थल से आप चंदन लगा सकते हैं। तो ये सनातन पद्धति है। और आज का ये कार्यक्रम किस तरीके से आपको जानकारी दिया है ये मुझे महसूस हो रहा है, संग संग आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आज इस पतित पावन समय में, आज सातवें दिन माँ महाकाली जो है उनको किस तरीके से पूजा जाना चाहिए, उनके मंत्र किस तरीके से स्मरण करने चाहिए और जिस भाव से आप पूजते हैं उसका फल आपको मिलता है। गुरुजी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज गुरुजी आपने बहुत ही ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दी, हमारे उन श्रद्धालुओं को दी, जिस तरीके से वो साधना करना चाहते हैं उनको बहुत ज्ञान मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवरात्रि के सातवें दिन माँ अम्बे की सातवीं शक्ति स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका शरीर घने अंधकार के समान काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता कालरात्रि के सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में दामिनी के समान चमकने वाली माला सुशोभित है। लोगों का मानना है कि इनके तीन नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे बिजली के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि जब सांस लेती हैं तो उनके नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माता गौ की सवारी करती हैं। माँ ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी भक्तों को वरदान देती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग कटार सुशोभित है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत ही भयानक है, लेकिन माता सदैव भक्तों को शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। मंत्र त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशेन त्रातं समरमूर्धनि तैपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकोन्मद सुरारिभवं नमस्ते।